मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। हाँ तो फ्रेंड, पिछली वीडियो आपने देखी है, हम माता जी के दर्शन करके आए हैं, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, 2 दिन थोड़ा सा तबीयत सेट नहीं थी, तो आज थोड़ा सा सही हुए हैं, तो आज फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा था, हम फतेहाबाद पहुंच गए थे, तो फतेहाबाद से फिर हम पैदल ही रतिया की तरफ निकल पड़े थे, चुंगी की तरफ आ गए थे। तो फतेहाबाद में हमें मालूम हुआ था कि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, 11 से 5 बजे तक हरियाणा में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। तो हम वहाँ से फिर पैदल हो गए, तो पैदल चलते चलते हम रतिया चुंगी तक पहुँच गए थे। तो वहाँ से फिर थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, तो रास्ते में हमें पुलिस वगैरह मिले थे, तो पुलिस वाले की जीप सीप वगैरह जा रही थी, तो वो रुके थे रास्ते में, तो हमें देख के वो रुके, तो हमसे पूछताछ करने लगे। फिर हमने उन्हें बताया कि हम माता पे गए थे, तो इस तरह हम आए हैं। तो हमें जहाँ पे फतेहाबाद आके हमें मालूम हुआ कि कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कहते चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर आगे हम आए हैं, आगे हम आपको बता रहे कि वहाँ से फिर चलते चलते कोई साधन वगैरह हमें मिला नहीं, फिर हम चलते चलते आगे आते रहे, और आगे आते आते हम बाईपास तक पहुँच गए थे पुल पे। तो वहाँ पे रोड पे एक ढाबा वगैरह था, जो मूंगफली वगैरह का काम करते हैं, वो बैठे थे वहाँ पे, मूंगफली वगैरह गर्म कर रहे थे उसको। तो हम वहाँ पे रुके 5-10 मिनट के लिए, तो पीछे से गाड़ियां वगैरह आ रही थी, तो उनको हाथ दे रहे थे, तो फिर एक कार हमें रुक गई है, मिल गई हमें, तो उस कार से फिर हम लिफ्ट लेके हम आ गए हैं। तो हम तकरीबन 1:30-1:30 हम पहुंच गए थे रतिया में। तो बस घर आके फिर उसके बाद सो गए, तो सुबह उठे हैं, तो फिर थोड़ा सा तबीयत सी अपसेट हो रही थी, तो उस वजह से फिर हम आपको वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए, व्लॉग नहीं बना पाए, तो आज थोड़ा सेट हुए हैं। तो आज से व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना, तो आप बने रहना हमारे साथ, देखते रहना वीडियो रहते हैं व्लॉग। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चक्रेश जी आ गए हैं स्कूल से पढ़ के, और आते ही कान्हा जी के खाने पे झपट पड़े हैं। कान्हा जी को भोग लगवाया था, तो चक्रेश जी खा रहे हैं। भोग लगवाया था? हाँ, किसके? आ जाइए, ये है तो है, भोग लगवा दिया था, चलो दोबारा लगवा दे, भोग लगवा के तो खुद खा लियो। ये देखिए, भोग लगवा दिया है कान्हा जी को दोबारा चक्रेश ने, और अब फिर खा लेगा खाना, कान्हा जी का खाना। सभी देखेंगे नेट पे तेरी ये वीडियो। अच्छे बच्चों की तरह बैठ के चौकड़ी मार के खाना खाते हैं। पहले जय करते हैं कान्हा जी की। वाह, गुड, वेरी गुड, 4 का टेबल आ गया चक्रेश को। हमारे ब्रदर जी आए हैं लुधियाना से, सोनू कुमार, मिस्टर अश्विनी सचदेवा जी, तो मिलके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए बैठते हैं, उनसे मिलके बातचीत करते हैं। फ्रेंड, अभी हम आए हैं मार्केट में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम गए थे माता रानी पे, तो वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाते रहे थे, तो स्पेस हमारे मोबाइल में इतना था नहीं, तो उस हिसाब से वीडियो बन नहीं पाई, और साथ में इसमें हमने एसडी कार्ड तो था, मगर वो शो नहीं कर रहा,
और ना ही वो उसमें सही काम कर रहा है, तो इस वजह से स्टोरेज बहुत ही कम है अपने मोबाइल का। अभी हम आए हैं मार्केट में तो थोड़ा चेक करवाते हैं, एसडी कार्ड शो नहीं कर रहा है, देखते हैं एसडी कार्ड खराब है या फिर क्या सीन है। तो अभी जाते हैं अपने फ्रेंड के पास, अपना क्लास फेलो है राकेश ग्रोवर जी, उनके पास जाते हैं, उनको थोड़ा सिखाते हैं, मोबाइल चेक करवाते हैं। तो फ्रेंड अभी हम आए हैं जसन मोबाइल सेंटर में, हमारे फ्रेंड है गोरा जी, राकेश ग्रोवर जी, तो इनके पास आए हैं। जैसा कि आपको बताया था, हमारा मोबाइल थोड़ा सेट नहीं है, एसडी कार्ड शो नहीं कर रहा है, तो हमें प्रॉब्लम आती है वीडियो वगैरह सेव करने के लिए। तो अभी हम आए हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है, तो इनसे मिल के फिर मोबाइल वगैरह दिखाते हैं, इनसे मिलते हैं, तो पुरानी बातें थोड़ा ताज़ा करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे। फ्रेंड अभी हम अपने फ्रेंड के शॉप से आ रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस ही, तो उनका हमने मोबाइल वगैरह चेक करवा दिया, तो हमारी जो एसडी कार्ड था तो वो रिपेयर करने वाला था, एसडी कार्ड ख़राब था, तो वो हमने उनको दे दिया, वो उन्होंने रख लिया, तो कहते हैं सुबह एजेंट वगैरह आएंगे तो उनको दिखाएंगे, अगर चेक हो गया तो वो उनको रिप्लेस कर देंगे, अगर चल गया तो हम ही नहीं दे देंगे, नहीं तो फिर हमें खुद से नहीं लेनी पड़ेगी। चलो देखते हैं फिर, सुबह मिलते हैं।